हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th में मैं आपको तीसरा चैप्टर मैंने पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें मैंने आपको त्वरण तक बता दिया है। अब सामान्यतः स्टूडेंट ये भी सोच सकता है कि भाई जैसे दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, तो क्या इस तरह का त्वरण से भी कुछ आगे हो सकता है? तो इस तरह का त्वरण से आगे कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आप दी गई वस्तु को जो गति कर रही है आप उसमें दो स्थितियाँ कर सकते हैं, या तो आप उसका वेग बढ़ा सकते हैं या फिर उसका वेग घटा सकते हैं। तो इस तरीके से जो वस्तु में त्वरण या मंदन हो सकता है, लेकिन इससे और ज़्यादा कोई इसमें राशि नहीं होती है, क्योंकि इसके बाद तो फिर सीधा ही है, जब त्वरण कार्य करता है तब वस्तु त्वरित होती है तो उस पर एक बल कार्य करता है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं इसमें क्लास 11 साइंस। अब इसमें यह कि जितनी भी राशियां होती हैं उन सभी में आपस में एक रिलेशन होता है जिसे हम गति के समीकरण कहते हैं। दो गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो गति के समीकरण स्थापित करने के दो तरीके होते हैं, एक तो ग्राफीय विधि और एक अवकलन विधि है, जिसे हम कलन विधि भी कहते हैं, कैलकुलस मेथड। तो मैं आपको इसमें पहला बता रहा हूँ ग्राफीय विधि। दो मेथड हैं इसके, दो विधियाँ। नंबर एक, ग्राफीय विधि, और नंबर दो, कलन विधि। तो आपको यहाँ दोनों प्रकार की विधियों के बारे में बताएंगे। तो पहले इसमें देखें ग्राफीय विधि। मान लेते हैं, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u होता है। इसका मतलब कि वस्तु चल रही है पहले से ही, जिसका वेग u के बराबर है। t समय बाद वस्तु का अंतिम वेग बी हो जाता है। यानी क्या है कि वेग में वृद्धि की जाती है तो इसका वेग बी के बराबर हो जाता है। वस्तु में त्वरण ए मान लेते हैं, वस्तु में त्वरण ए होता है। तो आपको क्या है इसमें ग्राफ ड्रॉ करना है इसका। तो हम इस तरीके से ले लें, ये जीरो, इसका एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। यहाँ पर हम समय लें,
और यहाँ पर व्हीकल है इस तरीके से। तो बस तो पहले से ही यू वेग से चल रही है, तो इस तरीके से दौड़ेगी। ये इसका प्रारंभिक वेग यू है। यहाँ से अगर हम इसमें देखें तो इसका ये टाइम टी है, और टाइम टी पर इसका जो वेग है वो वी के बराबर हो जाता है। जीरो से जीरो टाइम पर उसका वेग मान लिया कि यू के बराबर है, और टी समय पश्चात उसका वेग वी हो जाता है। तो हम यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें इस पर। ये मान लिया पॉइंट ए होता है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो इसमें टाइम लिया गया है वो टी के बराबर है। ये टी है इसमें, ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये है इसका वी माइनस यू यानी बी सी। तो ये क्या पूरा एक समकोण त्रिभुज है जो ये। तो ये कोण हमें यहाँ पर थीटा मान लें, तो इसमें हम देखें वेग समय आलेख में सरल रेखा ए बी होती है। तो हम क्या करें, सरल रेखा का ढाल निकाल लें। हम जानते हैं कि जो रेखा का ढाल होता है वही इसकी त्वरण को व्यक्त करता है। रेखा ए बी की प्रवणता, त्वरण को प्रदर्शित करती है, ये हम जानते हैं इसको दो। तो हम क्या करें, प्रवणता का मतलब टेन थीटा, टेन थीटा इसी समकोण त्रिभुज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी सी का मान वी माइनस यू, ये इसका त्वरण होता है जो ये ए, इसका मान है आपका वी माइनस यू, और ये इसका मान टी के बराबर है जो ये ए सी का मान टी के बराबर अपॉन टी। सो ये ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। यू को इसमें ट्रांसपोज कर दें या हम इसमें लिखें वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये जो समीकरण है हम इसको प्रथम समीकरण कहते हैं, इसको गति का प्रथम समीकरण। तो इसको नंबर एक डाल दें। इसे गति का प्रथम समीकरण कहते हैं। अब दूसरे समीकरण लिए क्या करें, भाई चली गई दूरी निकालें, इसमें कितनी होती है चली गई दूरी, चली दूरी इक्वल टू वी टी वक्र तथा टी अक्ष के बीच का
क्षेत्रफल। तो ये इसमें क्या है भाई, वीटी वक्र कौन सा है, ए बी, और ये इसका समय अक्ष है, तो इसके बीच का ये क्षेत्रफल निकाल लें हम पूरा इसका जो है, ये 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 पूरा क्षेत्रफल निकाल लें, तो ये क्षेत्रफल जितना भी आ जाएगा वो इसकी चली गई दूरी को व्यक्त करेगा। तो ये इक्वल टू चतुर्भुज ए बी डी ओ ए का क्षेत्रफल। अब देखो ये क्षेत्रफल भी कैसे आया, सामान्यतः फॉर्मूला होता है दूरी बराबर वेग इंटू विस्थापन। तो जो वेग इंटू विस्थापन है, तो इसका ये वेग और विस्थापन, इसका ये वेग और समय, तो वेग और समय का गुणा करेंगे तो ये दूरी को व्यक्त करेगा। तो ये इक्वल टू, अब इसको हम यहाँ पर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ये त्रिभुज है और एक ये चतुर्भुज है। जो तो पहले तो इसमें देखें आयत ए सी डी ओ का क्षेत्रफल प्लस समकोण त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल। तो आयत ए बी सी, तो जैसे लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये इसका ओ ए इंटू ओ डी प्लस ये एक बटे दो आधार इंटू ऊंचाई, आधार इसका ये ए सी, ए सी इंटू बी सी, ए सी इंटू बी सी, तो ये इक्वल टू ओ ए, ओ ए का मान इसमें यू के बराबर है, तो यहाँ पर रख देंगे इसका यू, और ये है आपका टाइम टी प्लस एक बटे दो ओ ए, नहीं ए सी, ए सी का मान इसमें टी के बराबर है, और ये इसका बी माइनस यू। तो चली दूरी, इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए, नहीं इसका ये टी के बराबर है, हाफ टी, और बी माइनस यू के स्थान पर ए टी, बी माइनस यू इक्वल टू ए टी। ये हम इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पहले समीकरण में हम ये पता कर चुके हैं, दूरी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये कहलाता है गति का द्वितीय समीकरण। सेकंड, इसे गति का द्वितीय समीकरण कहते हैं। अब इसमें है आपका तीसरा समीकरण, तो सामान्यतः ये क्या औसत दूरी है जो चली गई है, जो इसमें तो चली दूरी बराबर हम सिंपल इसका औसत वेग इंटू समय से भी निकाल सकते हैं। तो औसत वेग इक्वल टू दूरी अपॉन समय, इसका हम अप्लाई करें तो दूरी
इक्वल टू औसत वेग इंटू समय। अब औसत वेग कैसे, आपके पास दो वेग दे रखे v और u, दोनों को जोड़ दें और इसका आधा कर दें, दो संख्याएं हैं आपका, तो ये हो जाएगा आपका v प्लस यू अपॉन टू। ये तो इसका औसत वेग आ गया, समय t, ये चली दूरी s। अब t के लिए हम इसके गति का प्रथम समीकरण का यूज़ करते हैं, v प्लस यू अपॉन टू और t के स्थान पर v माइनस यू अपॉन a। गति के प्रथम समीकरण से ए टी इक्वल टू बी माइनस यू, इसलिए टी इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी। टी इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन ए, ये इसमें ए है, तो ये मान हमने यहां पर रख दिया, ये t का मान उठा करके। अब इन दोनों का हम गुणा कर लें, तो ये सिंपल फैक्टर हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू ए, सो ये इक्वल टू टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो ये है इसकी तीसरा समीकरण, गति का तीसरा। तो ऐसे गति के तीन समीकरण होते हैं, पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब मैं आपको इसमें इसकी दूसरी जो कलन विधि है वो आपको बता रहा हूं जो ये। तो अब आप इसमें देखें कलन विधि, इसे कैलकुलस मेथड कहते हैं। कैलकुलस मेथड, तो इसमें वही है, इसमें भी हम यही मान के चलेंगे कि इनका जो प्रारंभिक वेग होता है प्रारंभिक वेग इक्वल टू यू टी समय बाद अंतिम वेग इक्वल टू वी, और त्वरण ये इक्वल टू ए। तो कैलकुलस विधि के अंदर हम जो इसका तात्क्षणिक त्वरण वगैरह होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं, तात्क्षणिक त्वरण। और मैंने आपको इसके लिए फॉर्मूला बताया था, ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो अब हम इसको ऐसे लिख दें, डी वी इक्वल टू ए डी टी। अब इसका समाकलन कर दें, समाकलन करने पर इंटीग्रेशन डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी। अब ये जो इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है, इसका प्रारंभिक वेग u है
और अंतिम वेग v है। यहाँ प्रारंभिक समय जीरो है और अंतिम समय t है, तो इसकी लिमिट लगा देंगे u टू v इसका जीरो टू t। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा v और u v इक्वल टू a और t, और इसका हो जाएगा जीरो टू t। तो ये जो इंटीग्रेशन होता है इसकी वैल्यू v के बराबर होती है, यहाँ पर a कांस्टेंट है तो dt इसका इंटीग्रेशन होगा वो t के बराबर होगा। अब यहाँ पर ये कर देंगे तो क्या कर देंगे, पहले v का मान v, फिर v का मान u और बीच में माइनस साइन, ये नियम है इंटीग्रेशन का a और ये t माइनस जीरो। तो ये हो गया आपका v माइनस यू इक्वल टू ए टी और v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये गति का पहला समीकरण है फर्स्ट। तो कलन विधि से हमने इसमें पहला समीकरण इसका ज्ञात किया है। दूसरा समीकरण, चली दूरी, डी एस इक्वल टू वी इंटू डी टी, वेग इंटू समय। तो डी एस वी के स्थान पर हम ये पहले समीकरण का इस्तेमाल करें यू प्लस ए टी और ये डी टी। अब इसका अलग अलग कर दीजिएगा, यू डी टी प्लस ए टी डी टी और ये इक्वल टू डी एस। फिर इसका समाकलन कर दीजिए, समाकलन करने पर इंटीग्रेशन जीरो टू एस, यानी प्रारंभिक इसकी जो दूरी है वो जीरो के बराबर है और टी समय बाद इसकी दूरी एस हो जाती है और ये डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू टी यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू टी ए टी और ये डी टी। तो अब इसमें हम देखें तो ये जो वैल्यूज होंगी तो इसमें तो इसका मान एस हो जाएगा और एस की लिमिट जीरो टू एस इक्वल टू यू और इसमें टी, टी का जीरो टू टी प्लस ए। अब ये टी डी टी है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बटे दो, टी स्क्वायर बटे दो लिमिट जीरो टू टी। सो ये हो जाएगा आपका एस माइनस जीरो इक्वल टू यू टी माइनस जीरो प्लस ए इंटू टी स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन टी। ये लिमिट का मान रख देते हैं और जो लोअर एंड अपर लिमिट होती है उनके बीच में एक माइनस साइन लगा देते हैं। तो ये s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये दूसरा समीकरण है आपका, इसे कहते हैं दूसरा समीकरण। तो यह गति का दूसरा समीकरण। इसका तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण। अब दूरी डी एस इक्वल टू डी वी डी वी अपॉन डी टी, दूरी एस इक्वल टू, सो ये इक्वल टू
डी वी अपॉन डी टी, इसको भाग लगा दें, डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी, डी एस का गुणा कर दिया, डी एस का भाग लगा दिया, तो ये डी वी अपॉन डी एस, और परिभाषा अनुसार ये वेग की परिभाषा है, वेग वी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, तो हमने यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर लिया, तो ये इक्वल टू एस, तो इसको कर दें एस डी एस इक्वल टू वी डी टी, एस डी एस वी पहले समीकरण से इस्तेमाल करें, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम इसका इस्तेमाल कर लें इसमें, तो यू नहीं, इसका यही रहने दें, इसके अंदर से यही रहने दें, अब इसका समाकलन कर लें, जो ये समाकलन एस वी स्क्वायर डी वी होगा, जो ये डी वी अपॉन डी टी, अच्छा ये इससे नहीं आएगा, तो ये इससे नहीं आएगा, इसमें त्वरण ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, सो ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी, तो ये डी वी अपॉन डी एस इंटू ये वेग की परिभाषा होगी, वी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, ए इक्वल टू ए, तो इसको ऐसे लिख लें ए डी एस इक्वल टू वी डी टी, अब इसका समाकलन कर दें, समाकलन करने पर तो इंटीग्रेशन जीरो टू एस ए डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन यू टू वी, यू टू वी और ये वी डी टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एस हो जाएगा, लिमिट जीरो टू एस इक्वल टू इसका मान हो जाएगा वी स्क्वायर बटे दो इंटीग्रेशन यू टू वी, इसकी लिमिट का मान रख दें तो ये ए एस माइनस जीरो इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू, ये हो गया आपका ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू, इससे गुणा कर दें टू ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये है गति का तीसरा समीकरण। तो इस तरह से कलन विधि द्वारा भी हम तीनों समीकरणों को स्थापित कर सकते हैं, तो ये है गति के तीनों समीकरण। इसमें एक समीकरण और सामान्यतः होता है जिसको हम कहते हैं टी वे सेकंड में चली गई दूरी, तो ये मैं आपको और बता रहा हूँ, इसमें अन्य समीकरण, यानी कि ये है आपका टी पे सेकंड में चली दूरी, तो जैसे ये जैसे चौथे सेकंड, पांचवें सेकंड, छठवें सेकंड, तो जब वेंस शब्द लगा हो अच्छा आ जाए तो आप समझ लीजिएगा आपको ये निकालना है, तो इसको हम एस टी से डिनोट करते हैं, एस टी इक्वल टू टी समय में
चली दूरी माइनस टी माइनस वन समय में चली दूरी। भाई जैसे किसी को चौथे सेकंड में चली दूरी ज्ञात करनी है, तो इसका मतलब चार सेकंड में चली दूरी माइनस तीन सेकंड में चली दूरी, तो तीन और चार सेकंड के बीच में जो दूरी चली जाएगी वो कहलाएगी चौथे में सेकंड में चली गई दूरी। तो ये इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो टी सेकंड में चली गई दूरी होती है, माइनस टी माइनस वन में आपको क्या करना है, ये जो समीकरण होता है उसमें टी के स्थान पर टी माइनस वन रखना होता है, यू टी माइनस वन प्लस हाफ ए इंटू टी माइनस वन होल स्क्वायर। तो आप इसको देखें यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस ब्रैकेट को खोल दें तो ये यू टी प्लस यू, ये माइनस चिन्ह है इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये इसका ये माइनस एक बटे दो ए, और ये टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन। तो जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है उसे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर जो यू टी है वो इस यू टी से कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल टू इसी यू शब्द को इसमें पहले ले लें, इसमें यू प्लस हाफ या आप इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा ए टी स्क्वायर प्लस यू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का इससे गुणा कर दो। अब यहाँ पर जो माइनस चिन्ह है माइनस एक बटे दो ए, और ये है माइनस टू टी प्लस वन, तो ए टी स्क्वायर से ये ए टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पर टर्म बचेगा ये यू यू माइनस, अब इसमें से क्या है, इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लें इस ब्रैकेट में से, तो माइनस चिन्ह कॉमन लेते ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका प्लस एक बटे दो ए और ये टू टी माइनस वन, तो ये कहलाएगा एस टी। ये इसका एक विशेष प्रकार का समीकरण है जो टी वे सेकंड में चली गई दूरी को व्यक्त करता है। तो आप इन समीकरणों को अच्छी तरीके से पढ़ें, समझें और इनको ठीक प्रकार से समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो सभी इस गति के समीकरण पर आधारित होंगे। थैंक यू।